नोएडा स्टेशन के मोस्ट प्रीमियम लग्जरियस और न्यूली कंस्ट्रक्टेड सोसाइटी में एक बड़ा सा 3 बेडरूम 3 टॉयलेट अपार्टमेंट आया सेल के लिए। फुली माइवन कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन से। सो नोएडा स्टेशन के सेक्टर 1 में आज की हमारी लग्जरियस सोसाइटी एस डिविनो आ जाती है। और सोसाइटी में आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का टावर आ जाता है। टावर में फ्लोर्स काफी ज्यादा है, हमारा फ्लोर ऊपर का हो जाता है, मतलब प्रॉपर हाई राइज। वहाँ पर जाने से पहले लॉबी दिखा देता हूँ। तो ये थी अपनी प्रीमियम लॉबी। अब चलते हैं अपने फ्लोर पर। ऑल राइट, हम लिफ्ट में आ चुके हैं। टोटल नंबर फ्लोर्स की बात करें 22 हो जाता है और हमारा फ्लोर 18 हो जाता है, मतलब प्रॉपर हाई राइज अपर फ्लोर। और फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1, 2, 3 लिफ्ट मिल जाता है। 4 अपार्टमेंट उस साइड जाते हैं और 2 अपार्टमेंट इस साइड। 2 और 4 6 अपार्टमेंट, 3 लिफ्ट पर फ्लोर। और आज का हमारा अपार्टमेंट वो उस साइड जाता है। लेट चेक इट आउट। सो एक प्रीमियम न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्पेशियस 3 बेडरूम 3 टॉयलेट अपार्टमेंट। इस 3 BHK का एरिया 1565 स्क्वायर फीट हो जाता है। सामने ये स्पेस मिल जाता है। और आप जैसे ही अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे हमारा ऑलमोस्ट एक 4x4 का फॉयर एरिया जाता है। और फॉयर एरिया से आगे बढ़ने पर यहाँ पे हमारा स्पेशियस लिविंग एरिया जाता है। हमारा लिविंग एरिया 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा ड्राइंग एरिया हो जाता है, 15x10 का डायमेंशन हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर हमारा डाइनिंग सेक्शन हो जाता है, 6.5x11 का डायमेंशन हो जाता है। और हमारे इस लिविंग एरिया के साथ अटैच वहाँ पर एक बालकनी मिल जाती है फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। और हाँ, ये हमारे अपार्टमेंट की फर्स्ट बालकनी भी हो जाती है, विच इज ऑलमोस्ट 5 फीट वाइड। और बात करें हमारे इस बालकनी से व्यू की, सो दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। ऑलराइट, तो ये था हमारा लिविंग एरिया और उसकी बालकनी। नाउ मूविंग फर्दर, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सामने हमारे अपार्टमेंट का किचन सेक्शन हो जाता है। एक आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म मिल जाता है, बेसिकली ये पैरेलल प्लेटफॉर्म का किचन हो जाता है। डायमेंशन 10x7 का हो जाता है। ओवरऑल किचन सेक्शन में स्पेस काफी बढ़िया मिल जाता है। और किचन के साथ सामने अटैच यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। और ये बालकनी हमारे अपार्टमेंट की सेकंड बालकनी हो जाती है, विच इज 5 फीट वाइड। और बात करें हमारी यूटिलिटी बालकनी से व्यू की, सो दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। तो ये हो गया हमारा किचन सेक्शन। आगे चलते हैं बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। सामने हमारा फर्स्ट रूम, उसके बगल में सेकंड और उधर थर्ड रूम आ जाता है। यहाँ पे तीनों हमारे बेडरूम आ जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम से। ऑल राइट, सो ये कम से वो फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। डायमेंशन 10x11 का हो जाता है। तो हमारे अपार्टमेंट के फर्स्ट बेडरूम में वहाँ पे एक वार्डरोब स्पेस मिल जाता है और सामने एक बालकनी। ये वाला पोजीशन हमारा 6 फीट वाइड हो जाता है, सामने वाला 5 फीट वाइड। एक एल शेप की बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। एंड दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो ये प्यारा सा रोड का व्यू मिल जाता है हमारे अपार्टमेंट से। ऑल राइट, तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। रूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट और कॉमन वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का डायमेंशन 4.5x7 का हो जाता है। वहां पर वेंटिलेशन सनलाइट के लिए एक विंडो मिल जाता है। ऑल राइट, मूविंग टुवर्ड्स आवर सेकंड बेडरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। हमारे सेकंड रूम का डायमेंशन 11x10 का हो जाता है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का सेकंड बेडरूम हो जाता है। स्पेशियस रूम, रूम में वहां पर एक वार्डरोब स्पेस मिल जाता है और वहां पर एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है। वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगी। और व्यू की बात करें, सो लेट चेक दिस आउट। और यहां पर अटैच हमारे अपार्टमेंट का सेकंड वॉशरूम मिल जाता है। 5.5x7 का डायमेंशन हो जाता है। ऑल राइट, तो ये था हमारा सेकंड बेडरूम। अब चलते हैं अपने अपार्टमेंट के लास्ट सेक्शन, हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। हमारा मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। डायमेंशन 11x14 का हो जाता है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का मास्टर बेडरूम हो गया। नीचे की साइड आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाता है और हमारे बेडरूम में उस साइड ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम आ जाता है। ये हमारा 5.5x6 का ड्रेसिंग एरिया हो जाता है। और ड्रेसिंग एरिया से लगा हुआ यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और थर्ड वॉशरूम आ जाता है। 5.5x8 का डायमेंशन हो जाता है। और सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है। अगेन स्पेशियस बालकनी, हमारे अपार्टमेंट की लास्ट बालकनी हो जाती है। एक्जैक्टली हमारी वही कॉमन बालकनी हो जाती है जो कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के फर्स्ट बेडरूम से भी और इस साइड हमारे अपार्टमेंट के थर्ड बेडरूम से भी। और बात करें व्यू की, लेट चेक दिस आउट।
ऑल राइट, ये था हमारा नोएडा एक्सटेंशन का मोस्ट प्रीमियम 3 BHK अपार्टमेंट, और बात करें इसके डिमांड की वो 1 करोड़ 22 लाख हो जाता है। इफ इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। नमस्कार।